नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पश्चिम बंगाल में चुनाव भी हो गया, नतीजे भी आ गए, लेकिन हिंसा और अराजकता के दौर से गुजर रहे बंगाल में सियासी शहरमात का खेल अभी भी जारी है। बंगाल में मिशन 23 का टारगेट रखने वाले शाह ने जब से 18 सीटों पर भगवा लहराया, तभी से हिंसा जैसे और बढ़ गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसका आरोप बीजेपी सीधे ममता बनर्जी की टीएमसी पर लगाती रही है। हिंसा और अराजकता के बावजूद बंगाल में निडर होकर आगे बढ़ रही बीजेपी ने ममता बनर्जी को एक और झटका दे दिया है। इस बार बीजेपी ने ममता की टीएमसी के साथ हाशिए पर चल रहे वाम दल को भी जबरदस्त झटका दिया है। दरअसल बीजेपी को बंगाल में मिली बड़ी जीत के बाद ममता बनर्जी के विधायक भी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में ममता की टीएमसी के दो विधायक समेत करीब 50 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि वाम दल के भी एक विधायक ने बीजेपी का कमल थाम लिया। साल 2017 में ही टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय के साथ ही तुषार कांति भट्टाचार्य और देवेंद्र रॉय तीनों विधायकों ने बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में बीजेपी की सदस्यता ली। शुभ्रांशु रॉय बीजपुर से और तुषार कांति विष्णुपुर से विधायक हैं, जबकि सीपीएम नेता देवेंद्र रॉय हेमताबाद से विधायक हैं। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा, बीजपुर विधायक शुभ्रांशु रॉय जी, विष्णुपुर विधायक तुषार कांत भट्टाचार्य जी, हेमताबाद विधायक देवेंद्र रॉय जी सहित 50 से ज्यादा पार्षदों का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है। उन्होंने एक और ट्वीट किया, भाजपा में स्वागत है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का असर दिखाई देने लगा। टीएमसी के दो और एक सीपीएम विधायकों के अलावा राज्य के 50 से ज्यादा टीएमसी पार्षद भी बीजेपी में शामिल हो गए। ये पार्षद 24 परगना जिले के कंचरा पारा, हली शहर और नेहाती नगर पालिका के हैं। रंग लाने लगी जीत। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जबरदस्त प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने विधायकों और पार्षदों को बीजेपी में शामिल कराते हुए टीएमसी को अभी और झटके देने की बात कही। विजयवर्गीय ने कहा कि अभी पहला चरण ही है, जिस तरह से चुनाव 7 चरणों में हुए थे, उसी तरह से 7 राउंड में बीजेपी में भी नेताओं को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि बंगाल में जारी हिंसा और अराजकता को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार 7 चरणों में चुनाव कराया था, लेकिन इसके बावजूद बंगाल में हिंसा कम नहीं हुई। लेकिन जब 23 मई को नतीजे आए तो बीजेपी ममता की टीएमसी के टक्कर में आकर खड़ी हो गई। ममता के खाते में 22 जबकि बीजेपी के खाते में 18 सीटें आई। लोकसभा चुनाव में मिली इस प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बंगाल में इसी साल के आखिर में चुनाव हो सकता है, ऐसे में बीजेपी खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। आपको स्मरण होगा, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल की एक सभा में कहा था कि 40 विधायक हमारे संपर्क में हैं। उसके बाद टीएमसी में प्रतिक्रिया हुई। टीएमसी के बहुचर्चित नेता डेरेक ने एक ट्वीट किया था कि 40 विधायक तो क्या एक कॉर्पोरेटर भी नहीं जा सकता। आज 50 से ज़्यादा कॉर्पोरेटर तो यहाँ पर हैं, 3 एमएलए हैं। जैसे बंगाल में 7 चरण में चुनाव हुए थे, हम भी इसी प्रकार अगले महीने 7 चरण में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम करेंगे। हर महीने अलग अलग चरणों में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम होगा। ये पहले चरण में 3 विधायक और 50 काउंसलर हैं, 3 नगर पालिकाओं पर हमारा कब्जा है, जिला पंचायत पे भी हमारा कब्जा होगा। और अब धीरे 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 करके ममता जी के आतंक से, ममता जी की तानाशाही से परेशान होकर जिन लोगों का टीएमसी में दम घुट रहा है, वो सारे लोग बीजेपी में आना चाहते हैं। हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे, हर किसी को नहीं लाएंगे। जो बीजेपी के लायक होगा उसी को लाएंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे, हमारी तो शुभकामना है
ममता जी के साथ कि वो 21 तक मुख्यमंत्री बने ही रहे, पर उनके कर्मों के कारण यदि वो उनको खुद का ही शार्ट पीरियड करे तो ये तो उनकी जवाबदारी होगी। पर हमारी उनके साथ शुभकामना है कि वो हम 21वीं चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों मुकुल है हम 21वीं हमारी सरकार बनाना चाहते हैं, पर यदि उनके लोग उनको छोड़ छोड़ के आ जाएंगे तो उसमें फिर कोई हमारी कोई गलती नहीं है उसमें। तो मैं सभी बीजेपी के हमारे टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। सबको मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है, मोदी जी के चमत्कारित नेतृत्व से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में बंगाल में लोग सिर्फ टीएमसी नहीं अन्य दलों से भी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप शार्ट नोटिस में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो मुकुल दा यहाँ बैठे हैं, उसके बाद इनसे बचे तो फिर मुझसे पूछ लेना। देखिए ये बात सच नहीं है, रिजल्ट आउट होने के बाद खून हुआ दो आदमी, पूछो तृणमूल कांग्रेस को उसका कोई आदमी खून हुआ? जो दो आदमी खून हुआ वो दो आदमी भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी जो क्रिस्टी है, ये हम लोग बर्दाश्त करने नहीं चाहता है। हम लोग खून को विश्वास नहीं करा है। देखिए आप तो जानता है चुनाव होने के बाद दो खून हुआ, उसके पहले हमारा 80 कार्यकर्ता खून हुआ, तो हम लोग खून का राजनीति विश्वास करते नहीं है। तो हम इस तरीके से बोल रहा है ये हिंसा के लिए जो कोई दाई है तो तृणमूल ही दाई है। चंदन घोष तो भाजपा वर्कर है, तो बोल रहा है चंदन घोष हुआ है, सोंटू घोष हुआ है चाकदा में, तो ये दो खून जो हुआ ना, हिंसा तो बोल रहा है हम लोग कर रहा है, लेकिन हम लोग कर रहा नहीं है, जो कर रहा है वो तृणमूल ही कर रहा है, अरे उसका साथ पुलिस है। देखिए बंगाल में हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी करना नहीं है। देखिए उसको पूछो पीएसी कमेटी का चेयरमैन जो है वो किसका टिकट से जीता है, उसको पूछो कांग्रेस से जो 15 विधायक उसका साथ है वो किसका विधायक है, किस तरीके से वो लिया है। हॉर्स ट्रेडिंग जो कर रहा है ये ममता कर रहा है। ये पंचायत चुनाव का बाद जब हमारा सब लोग जीत गया, वो लोग के 100 थ्रेटनिंग और 100 रुपया दे के खरीद करने का कोशिश जो ही कोई किया है वो ममता जी किया है, भारतीय जनता पार्टी किया नहीं। देखिए ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ये एक ऑल इंडिया पार्टी है, हम लोग बंगाल में संघर्ष करेंगे, बंगाल से संघर्ष कर भी हम लोग को जीना होगा, और क्या होगा ये जनता ठीक करेंगे, और पार्टी का पॉलिसी क्या होगा ये केंद्रीय समिति में ठीक होगा। देखिए ये तो ड्रामा है, ड्रामा होता है इस्तीफा का, क्या है हमारा लड़का एग्जाम देंगे जो क्वेश्चन होगा ना वो क्वेश्चन करेंगे मामा, और जो पेपर देखेगा वो उसका काका है, तो इस तरीके से ये ड्रामाबाजी होता है, नाटक कर रहा है। वो कुर्सी से छोड़ के किधर भी जाएगा नहीं, वो कुर्सी का साथ रहेंगे जब तक उसको बंगाल जनता जनादेश देके कुर्सी से नहीं खिलाफ करेंगे। One thing you should know, in the time of the election, I have told that I am not exposed everybody before election. It is a political strategy. You should know that political strategy, it should not be open to all.
तो हम तो बाहरे बोले ही दिए छिलाम जे तृणमूले थाकबे भोट करबे बीजेपी ते बंगाल में अगले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का अपोजिशन पार्टी का स्टेटस मिलेगा नहीं अपोजिट पार्टी का स्टेटस भी नहीं मिलेगा